किसी को आता है जान लुटा। क्या चल रहा था भाई अंदर? अच्छा मूवी कैसी लगी? मूवी तो अच्छी थी यार, थोड़ा फिजिक्स छोड़ दो तो बढ़िया मूवी थी। ओ भाई गलत थी। ये बंदा यहाँ से आया, मेरे मुंह से यूं ही निकल रही थी थूका। आज देश का युवा बहुत जल्दी उठ गया था क्योंकि आज नोएडा जाना है मम्मी के साथ, वो भी मम्मी को दीदी के यहाँ जाना, तो पहले मम्मी को छोड़ दूंगा इधर ही जहाँ से दीदी का घर पास पड़ेगा, और उसके बाद मुझे सीधा फ्लैट जाते ही एक वीडियो लाइव करनी है क्योंकि रात को 7 बजे मैच है। देखो टेंशन कितनी है, 7 बजे मैच है तो कम से कम 4-5 बजे वीडियो लाइव करनी पड़ेगी, नहीं तो वीडियो की इनिशियल रीच नहीं आएगी। और जाके रेस थंबनेल भी बनवाना है, स्पॉन्सर से अभी तक इंटीग्रेटेड पार्ट अप्रूव नहीं हुआ, वो भी अप्रूव कराना। गाड़ी में चलते चलते कई बार बीच में गाड़ी रोकनी पड़ेगी क्योंकि गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें। और देश का युवा बिना नहाए हुए कल वाली अपने जैकेट पहन के गाड़ी में बैठ चुका है, पैंट एकदम नहीं पहनी है, कच्चा भी 2 दिन पुराना है, सारे अपडेट दे दिए हैं। थैंक यू गाइस, अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद, गाड़ी को जरा बैक कर लूं। गाइस मम्मी को दीदी के यहाँ छोड़ दिया है और नाउ वी आर विद बड़े भाई। चले बड़े भाई कुछ काम करे, 2-3 दिन से कुछ काम नहीं कर रहे, आज तो दिन काम वाला है, आज थोड़ा पैसे कमाए, घर पे पनीर बनवाए, गल्ले पे बैठने वाला दिन आज तो गल्ले पे बैठने वाला दिन है भाई, आज तो पैसे कमाने पड़ेंगे नहीं तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। इनर के ऊपर ना मोटी वाली जैकेट पहन के आ गया, मुझे पता नहीं था आज का दिन इतना गर्म होगा, कल इतनी ठंड थी, तो यो मेरे चिपकी जा रही पीछे से पसीने आ गए मुझे। अगर मैं ये निकाल के बैठू कोई कहेगा कोई ये दिखे, ड्राइवर आ गया दिखे किसी का, बढ़िया गाड़ी में बनियान में बैठा भाई। ये देखिए यार नोएडा की भी इज्जत नहीं, झुट्टे घूम रहे सड़क पे ही। वही है गांव तो है, सोसाइटी के पीछे गांव है, ठीक ठाक सा गांव है, मतलब ये शहर भी ठीक ठाक सा गांव ही है, मतलब अगर किसी इंसान को गांव की फीलिंग लेनी थोड़ी थोड़ी तो वो यहाँ पर रह लो, ये शहर भी है गांव भी। डिब्बा ले वो बैठे थे, एक भैंस खड़ी कर रखी है सोसाइटी के पीछे हमारी, डिब्बा लेके लाइन लग रही दूध लेने वालों की। नोएडा का ये हिसाब है, वो जो ना गांव वाला भाई वो निकलते निकलते शहर तो जा नहीं पाया पर कस्बे में रुक गया, उसने मेडिकल स्टोर खोल के कस्बे में घर बना लिया। बकरी भी आए तो हद होगी भाई तेरे, तेरी जान कसम यहाँ बकरी घूम रही साइड में, ये गलती सोसाइटी में आए, दिन में पता लग गया मुझे। देर में अमरूद रंगू रखे ना मम्मी सफर के लिए लाई थी, बात करते करते नोएडा आ गया, मगर तो खाए ही नहीं, कहाँ इतना लंबा सफर रहेगा। अच्छा पहले हरिद्वार जाया जा रहे थे ना 5 घंटे में, वो तो एक लंबा सफर है, बाकी पोल वो करते हैं ड्राइवर साहब लगा देंगे ना 1.5 घंटे में, सारे ही ले जाएंगे बैग तो। हेलो गाइस वी आर बैक एट होम, और आज हमें पता चला है खाने बने छोले भटूरे, तो छोले भटूरे तो खाना बनता है गाइस, छोले बनते हैं छोलों के और भटूरे बनते हैं भटूरे के, मैदे के बनाए ना भटूरे, हां बताओ वही है बिग ब्रेन टाइम गाइस। मैदे में वो भी डाला है जो तुम दूसरी चीजों में डालो, सोडा। अच्छा सोडा ऐसे तो मुझे प्रेम है, सोडा ऐसे पिया कभी? बोतल खोल के ही वही वैसा लगता होगा ना वो जो जिंजर एल जैसा लगे, 5 रुपए का बंटा सा मिला है ना, अरे बावला पीना चाहिए, पेट में ऐसा बुलबुला सा बन जाएगा, एक बार मार दी थी मैंने, थोड़ा न्यूट्रल सही लगे उतना तो कुछ नहीं, फिर मैदा डालना पड़ेगा अंदर जिससे कि अंदर भटूरे बन सके, और थोड़ी देर चूल्हे में चूतर रख के बैठने पड़ेगा गर्म तवे पे। तो आज हम लोग ना अभी जस्ट वीडियो अपलोड करते हुए एक बात कर रहे थे, रे को मैं फर्क बता रहा था सीडी और डीवीडी में, रे है डीवीडी के जमाने का और बड़े 2 किंग्स हैं सीडी के जमाने के, वीसीआर वाले भी। हाँ तो मैं बता रहा था कि मम्मी पापा की शादी के टाइम में जो कैसेट बनी थी वो वीसीआर में, मुझे इसलिए याद है क्योंकि अब ना डीवीडी में करवाई थी वो कन्वर्ट, यूट्यूब में नहीं आ गया भाई, क्योंकि वीसीआर प्लेयर अब मिलते नहीं कहीं, तो वो वीसीआर में थी तब मैंने देखी, फिर डीवीडी में, तो मम्मी ने बताया था कि वो वीसीआर में हुई थी, पहले छोटी सी कैसेट रही थी वो, बहुत पहले याद है मेरे कभी वीसीआर प्लेयर पर चली थी जब, वो वीसीआर तो नहीं मैंने वो तो देखा, वो म्यूजिक वाली कैसेट, हाँ वो जो रील से लपेट जाते उसमें दलेर मेहंदी के सॉन्ग थे हमारे घर पे, था उसमें वो दबाने से वो बाहर को आवे थी, उसमें कैसेट लगानी होती फिर अंदर डाल लो, दलेर मेहंदी उस टाइम तो मतलब किंग थे, ग्रीन कलर की कैसेट आई थी सारी, तो व्हाइट कलर की थी, दलेर मेहंदी ग्रीन कलर की कैसेट थी, नहीं जो पापा पहले वो भी था उसमें था किशोर कुमार के, और एक मेरे चाचा के पास वॉकमैन था, अरे भाई उसका यंग लौंडों में बहुत था वॉकमैन, और उसके ना ऐसे भी आ गए थे हेडफोन ऊपर को पहनने वाले, और इतना इतना चौड़ा सा रह गया था, और मतलब उसका क्रेज भाई नेक्स्ट लेवल था, नेक्स्ट लेवल। एक वो भी तो था पापा बता रहे, मैंने तो देखा नहीं लेकिन यूं कह रहे थे कि पहले हम वो था मेरे पास पेजर, हाँ पेजर भी यूज कर रहे थे बहुत, चलो मुझे पता नहीं कैसे वो था पेजर टाइप हुआ था कि शायद मैसेज टाइप होता ना उस पे कुछ छोटे छोटे मैसेज आए, कोई लिमिटेड वर्ड्स में जाएगा ना, पर उस टाइम पे लौंडा की एक एक वो थी कि मतलब वॉकमैन हो गया था, मतलब स्टेटस हाँ था वाला है तो। सोनी भाई चीजें ऐसी हाँ। लाई ना सारी कि सोनी एरिक्सन जब फोन आया था वो फोन ने भी भाई जल्दी लड़की सेट ही हो जाएगी रहती सोनी एरिक्सन जिस पे रहता, वॉकमैन से याद आया मैंने मेरे फोन तो दिया नहीं था जल्दी घर वालों ने, तो एक वो लिया था मैंने, वो उसमें क्या होता है चिप लगा दो, म्यूजिक प्लेयर हो था वो छोटा सा चिप लगा दो और उसमें हेडफोन लग जाते गाने सुनने के लिए, वो लाया था मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था 30 सितंबर को मेरे पापा ने, 1 अक्टूबर को मैंने खराब कर दिया, तो बहुत जल्दी खराब, चार्जिंग पे लगा के सुन लियो गर्म हो गया, वो 2 से 1 रुपए का ही आवा था सस्ता सही, अच्छा इतना सस्ता गिफ्ट दिया था क्या? अभी जाके लड़ूंगा तब तो फिर एक सबसे चकड़ी चीज मेरे याद है, मैंने उस पे पहली बार वो वाली फिल्में
और पहली बार हनी सिंह वॉल्यूमेट मैंने उस पर सुना था, MP4 आया था, MP4 वो फिर अलग क्रेज चला था भाई उसका। अच्छा, MP4 का मैंने ना अब तक, अब शायद पिछले साल सुना होगा हनी सिंह वॉल्यूम पूरा, मैंने नहीं सुना, मतलब वही एक वही पार्ट सुना होगा। बताता है क्या हुआ, लौंडा में भाई ये चीज रहे थे, मेरे दोस्त थे कुछ, तो उन्होंने क्या, वो भाई बनिया लौंडा था, पैसा बढ़िया, तो उसने क्या अपने घर वालों से छुप के मतलब शहर के अंदर एक कमरा ले रखा अलग, ठीक है, और भाई बाइक ले रखी है, मतलब डेली अप डाउन घर जाना उसे, लेकिन शहर में कमरा अलग ले रखा, घर वाले उसके कहीं दूसरे छोटे मतलब कस्बे टाइप में रहते थे। कब की बात है ये, ऐसी होगी यार 2011-12 की बात है, ठीक है, और भाई पल्सर 180 पहले 220 थी, फिर 180 ली उसे बेच के, 180 ली दूसरी नई बिल्कुल, ठीक है, और उस पर उसने लिखा रखा था वॉल्यूम 1 CH*T। मैं कह रहा यार वो CH*, वो वाला भी बोली है, पर वॉल्यूम 1 मैं सोच रहा, मैंने सुना नहीं था, मगर यार क्या है, मैंने अपने एक दोस्त से पूछा इसने यू क्यों लिखवा रखा, वो शौक ना रहता मॉडिफाई करवाया कुछ भी लिखवा रखा, कोई मॉन्स्टर लिखवा रहे ऐसे करके, तो जब पूछा मैंने ओहो, फिर मैंने सुना गाना, वाह वाह वाह, मैंने कहा हनी सिंह। अरे मेरा एक दोस्त था उसका बड़ा भाई था स्कूल में पूरा फेमस लौंडा था, जो उसने अपनी पल्सर पे ना वैसे साइन बनवा रखा यूं, और मुझे नहीं पता था, मेरे एक दोस्त का भाई बहुत गंदी चीज हो यो, मगर क्या है मैं तुझे बताऊंगा भाई, मुझे भी ना पता था प्लेबॉय वाला आवेदन ना, प्लेबॉय करके लिखवा रहा था, और उसमें भी यही फिंगर वाला था। मैं गया, हम नई नई बाइक सीखी स्प्लेंडर, वो मैंने घर वाली जो बाइक थी ना उस पर जाकर वैन चल, एक दिन घर से ले गया और उस पर वो लगवा कर लिया, मुझे जब किसी ने लगवा के लिया, अरे प्ले बॉय एक रैबिट रैबिट का लगवाया था, उसमें एक फिंगर वाला भी था भाई, मुझे किसी ने बताया, अरे भाई क्या कर रखा था, अरे भाई मैंने वो कुरच लिया भाई, फिंगर वाला तो ना पकड़ा था, ऐसा टाइम था एक बार, मतलब वो ना पहले ना गेम आया करे थे ये ना, जो सीधे डाले डीवीडी में डलवा के लाए और अपने उसमें डाले बिना वो, जब वो नहीं होता ग्राफिक कार्ड नहीं होता, गेम चलिए, उसके बाद ना गेम चले नहीं करा था, .exe फाइल डजंट एग्जिस्ट करके दिया गया था, वो जब आइकॉन पे क्लिक करते डेस्कटॉप वाले पे, तो ना मेरे मामा ने मुझे बता दिया कि इसमें ना एक फाइल हो अंदर से कॉपी करके लानी हो, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके पेस्ट करनी हो, उसे क्रैक करना गए थे, गेम क्रैक कर दिया, सेटअप तो इंस्टॉल करो फिर वो फाइल कॉपी, फाइल कॉपी करो, ये रहता कि ओरिजिनल डीवीडी से वो फाइल लाओ, उसकी प्रॉपर्टीज में आइकॉन की प्रॉपर्टीज में जाके पेस्ट करो, अब लौंडो से स्कूल में गेम ना चले, मैं कहूंगा का बता कर कहां आया तेरा, चॉइस आप जाएंगे तो वही है करने है, यूको 2 मिनट पानी लेगा, इज्जत जिस टाइम पे, फिर एक गेम आया करा था वो टकले अंकल, वो मिशन किया करा था, क्या नाम था उसका, हिटमैन तो हिटमैन ना बहुत टफ था, तो मुझे मैंने ना मेरे पे इंटरनेट कनेक्शन आ गया था, क्योंकि नीचे जो अंकल आ रहे थे ना उनका काम था इंटरनेट का बहुत ज्यादा, वो अपने बच्चों से बात कर रहे थे नेवी वगैरह में, तो उनके लड़के तो वे वहां पोर्ट वोर्ट पे बात कर रहे थे उनसे वेब गेम से, तो भाई मैंने उनसे वो ले रखा था कनेक्शन, मैं यूट्यूब पे चलाया करूं था, वहां कैसे हैक करे गेम को, तो हिटमैन मैंने ना एक कोड क्रैक डाउनलोड करा और उसे उसकी प्रॉपर्टीज में पेस्ट करना होता जाके, तो वो हैक हो जाता, फिर वो की डाल लो तो हिटमैन ना जो कपड़े चाहिए जो तुम्हें गन चाहिए सब मिल जाता, मैंने पूरा गेम पार कर दिया, लौंडो को जाके बता रहा मैं, हो गया पुलिस स्टेज में ये था, डिमकाने में ये था, मैं उसमें होता, फिर मैंने सोचा खुद पार भी क्यों करना, यूट्यूब पे देखना सही स्टेज, फिर एक गेम नहीं आया था वो प्रिंस ऑफ पर्शिया, एक तो मैंने पार करा, बाकी सारे देखो जाऊं तो मैं ओहो अगले दिन स्कूल में जाऊं तो एक बता रहा हूँ प्रिंस ऑफ पर्शिया सेंड फलाना डिमकाना, मैं फर्स्ट स्टेज में ही होता सेकंड में ही होता, अबे तू डेली पार ब्रो, मैं अरे क्रिकेट भी खेल रहे सब कर रहे, तो ये देख बेफालतू की चीज याद कर रहा ना, कोर्स याद करना उसे बैठ के देख रहा फिर पूरा बता रहा, तो ये दबदबा बना ना, उसमें पूरी हेल्थ भी डबल हो जाया करती है, अलग अलग जगह जाके जाऊं था नहीं बदल लू था, मगर तुझे बताओ पानी में नीचे जहाँ बीच में है ना वहाँ नीचे एक गुफा है उसमें जाइए, उसमें थोड़ी लाइफ बहुत बढ़ जाएगी, वो अगले दिन करके भाई तुझे क्या क्या पता, ऐसे तो उसमें भी हो जाता है यही काम, एंड्रॉइड में भी OBB फोल्डर में पेस्ट कर दो ऐसे करके, वो भी यूं करते हैं हैकर बन गए, एक वो खेला तुमने वीकॉप 2 करके, हां अभी रीलोड रीलोड ढंग ढंग ढंग, उसमें 6 में आ गए थे, गाड़ी भागती रही थी कभी शिफ्ट कर, सबसे पहला गेम खेला था मैंने, मैंने भी सबसे मेरी लाइफ का फर्स्ट गेम था पहला, मैंने भी पीसी पे वीकॉप 2 12 MB का गेम आ गया था, सबसे 256 MB का कंप्यूटर उस पर 12 MB का गेम था वीकॉप 2 रीलोड रीलोड, यार तुमने क्या याद दिला दी मुझे, देख दिखा रहा यार मेरी जान गेम है वो, कौन से जमाने के, मुझे गेम का नाम याद नहीं आया, मस्त उसमें 6 या 3 गोली आवे थी और टारगेट आया रहा था और लोग होस्टेज बनाए रखे हैं, somebody help me, somebody help me। मैंने सबसे पहला गेम जो उस पे प्लेस्टेशन पे खेला था ना वो मेरे दिमाग में तो था, लेकिन एक दिन मैंने वीडियो देख ली मैंने, फिर याद आया मैंने खेला था, वो था पेप्सी मैन, याद है पेप्सी मैन, उस पे क्या होता है जैसे सब्बे सरफर नहीं है सेम ऐसा कैसे ही है, निल्ला था पेप्सी का आदमी भाग जाता और वही वो प्लेस्टेशन पे था गेम उस टाइम पे, इसमें होता रहता
खत्म नहीं हो जाएगी अभी, देख वो चल रही, रीलोड भी करनी पड़े बीच बीच में, अगर खत्म कर लेगा तो राइट क्लिक पे उसके वो कर रहे थे, रीलोड भी कर रहे थे, चार पांच लाइफ रहती थी, वो मेरा लाइफ का पहला कंप्यूटर गेम था जो मैंने खेला था। आज के बच्चे खेल रहे हैं भाई GTA VTA, अब तो बहुत एडवांस हो गया, नहीं तो रोड रैश और ये सब आया गया थे, FIFA कितना खत्म आया गया था, बिल्कुल छोटे छोटे से भागे थे फिर रहे थे, और वो एक नॉर्मल वाली वीडियो गेम में टैंक वो बहुत खतरनाक था, कि उसमें पता अपने देश वो देश रहता था ना, हमें तो पता था नहीं वो अपनी वो है देश वेश जो भी उसे बोल रहे थे, टेरिटरी बचाना, हम उसे कहते चिड़िया, अपनी चिड़िया बचाओ, उस चिड़िया जैसा गालियां मत बकना कोई भी यार, मैं तो न्यूट्रल मन से जा रहा हूँ देखने गाइस, मैं बहुत ही सीधा सच्चा भारतीय हूँ, ठीक है मेरी कोई गलती नहीं है, 15-20 मिनट रह रही बस पिक्चर स्टार्ट होने में, हर बार वैसे ही भाग गए, अगर पठान जिंदा बच गया ना और मैं तब तक देख नहीं पाया तो दिक्कत हो जाएगी मुझे, पठान को सरवाइव करते हुए देखना, बहुत मूवीज ऐसी हो ना शुरू में कुछ इंपॉर्टेंट आ जाओ तो हम खत्म कर दें, मैंने शुरू की तो कोई मूवी देखी नहीं, शुरू की 15 मिनट मेरी किसी थिएटर में देखी हुई मूवी के याद नहीं, मैं आज तक जितनी मूवी थिएटर में देखा है ना, अगर मैं मूवी टीवी पे स्टार्ट होना शुरू की 15 मिनट मुझे लगा कुछ नई मूवी है, धूम की नहीं देखी थी मैंने, धूम 2 जो आई ना वो ट्रेन वाला पूरा सीक्वल दिखा था मुझे जब मैं मूवी देखने गया था, फिर एक बार टीवी पाया तो मुझे काफी नया सा महसूस हुआ, नहीं एक बार यार उस पे आजकल बहुत ज्यादा वो आ रही वीडियोस, लोगों ने थिएटर में वो कर रखे गेमिंग गेम खेल रहे PS5 कनेक्ट कर रहे वो करना थिएटर में, अच्छा थिएटर की स्क्रीन के साथ, हाँ तो UPS में ही तो चला है, UPS में लग के प्रोजेक्टर UPS ही तो रहे, उसमें PS5 कनेक्ट करके पर फट जाएगा यार, हाँ मम्मी बोलो मम्मी है मम्मी चाहिए अजय तो कैसे ही बना दे, बस अजय लुल्लू ही बना रहा हमारा है ना, अजय को हम अंधे सरदार फंस रहे वो काना हमारे में, तो हम उसे होशियार बनने हैं, अरे आप नहीं जा सकते आपकी जेब में बहुत सारा सरकैज़म निकला है, बस ऐसे ही दो चार जोक मार दिया कर, नहीं वो ऐसे ही बनाए रख मुझे थोड़ा सा मेन स्ट्रीम, लेकिन एक बात और है ढाका से मैं कहना चाहता हूँ कि इसे कट करके रख लिया हमारी वीडियो के काम, नहीं हमारे बड़े प्रोजेक्ट के काम आएगा, उसमें चाहिए हमें फ्रेश जोक, किसी किसी को आता है जान लुटा के दुश्मन की, क्या चल रहा था भाई अंदर, अच्छा मूवी कैसी लगी, मूवी तो अच्छी थी यार, थोड़ा फिजिक्स छोड़ दो तो बढ़िया मूवी थी, ओवरऑल मुझे मतलब ठीक है मसाला फिल्म थी, बढ़िया एक्शन, मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ज्यादा हैं, पर लोकेशन काफी अच्छी है, मिशन इम्पोसिबल से तो अनसर्टी उठा रखे सीन, लेकिन मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन हमारी जो फिल्म सिटी वाली रोड है नोएडा वाली जिसमें हम रील शूट करते हैं वहां शूट होगी, अच्छा ऐसा प्रोजेक्ट निकल जाए, वहां तो हम ही बनाओगे भाई, हमारा स्मॉल बजट प्रोजेक्ट ही चलेगा वहाँ से, उस रोड पे दो ही यूट्यूब स्टार शूट करें या तो हम ही अमित बढ़ाना तीसरा यूट्यूब क्रिएटर नहीं देखा मैंने वहाँ शूट करता हुआ, अब तो बढ़ाना जी बड़े हो गए तो नहीं कर रहे, नहीं तो कहना दो ही क्रिएटर उठे उस रोड से, ओ भाई गलत भाई ये इतनी दूर से भगा के ला रहा था बंदा, गाड़ी घूम गई है, हाँ भाई बहुत ही गलत भाई, ये उधर से आया मुंह से यही निकला भाई ठुकेगा एकदम लगी यहाँ पे आगे, एम्बुलेंस बुला दूँ, ये बंदा यहाँ से आया मेरे मुंह से यही निकल रही थी ठुका, यहाँ से एक गाड़ी से इसने बचाई और यहाँ लगा कोने में, मतलब उधर देख रहा था बहुत तेज आ रहा था वो, उसने शायद पहले इधर भी लगा आ गया, पहले एक गाड़ी से ठुका फिर इधर गया फिर ये गई भाई, उसको टायर वायर सब खत्म हो गया, बच गया बस नाक नाक पे चोट है उसके, बैग बैग खुले, हाँ एयर बैग खुली, उसके नाक पे चोट है बस, हल्की सी बात बात कर रहा था घर पे अपने, अबे तेज बहुत था, हाँ बहुत तेज था यार, मेरी गांव फट गई देख के, इतना तेज था, मैं उधर देख रहा था, 150 की स्पीड बताओ कम से, हाँ मैं वो उधर से आ रहा था, मैं उधर से देखा लेकिन जैसे घूमा ना इधर तो इतने में लग चुकी थी, आज पहली बार कैब्स आए रे, आज ये हादसा देखने को मिल गया, और आगे खड़े हुए कैब का वेट नहीं कर रहे थे, आगे से ना भैया लेफ्ट से जाके यू टर्न ले लो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे उधर, वो अपने वाला रास्ता बता दिए रे, उधर से यू टर्न मार के ना सामने वाली साइड से जाएंगे ना 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, ये देखो ये जो गाड़ी है ये सामने के साइड जाने लग रही थी और इसका टर्न देखो किधर हो गया ठुक के, पूरी ये 360 डिग्री घूम गई, बाइक वाले को बचा रहा था इधर ठुकी जाके इसमें पोल में, और वो भग गया बाइक वाला है देख जिसे बचा रहा था, ये पूरी खत्म हो गई भाई, और उसने दारू इतनी पी रखी थी गाड़ी चलाने वाले ने कि अब लड़ रहा था पुलिस वालों से, उतर के नाक फूट गई लड़ रहा है इनसे भाई, इसलिए Hyundai और Maruti Suzuki ना खरीदे, पर उसकी तो Hyundai ने भी जान बचा ली।